My name is Dr. Satish Mishra. I'm trustee of International Hindi Association. We organized this convention, which is held every 2 years in one city of America. And this city, New Jersey, Falls, New Jersey. This year we were very lucky that we held this convention here. And so many people. Meri kitab, My Right to Write hai. लेकिन इसका राइट से कोई रिश्ता नहीं है कोई मैं अधिकार नहीं जता रही हूँ एक जिम्मेदारी लेके चली थी अपनी ज़िंदगी के बारे में जो मैंने जी है और भावनाएं प्रधान हैं मेरी ये सवाने हयात या मेरी जीवनी या आत्मकथा बहुत भावनाओं के साथ लिखी है और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं को तज देते हैं समाज के साथ चलने के लिए मैंने औरत को जिम्मेदार भी ठहराया है अपनी ज़िंदगी के लिए लेकिन भावनाओं को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है उनको समझना सबसे इससे पहले कि हम व्यक्त कर सकें बहुत से स्टेप्स हैं सबसे पहले तो हमको अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा समझने के बाद गुणना पड़ेगा गुणने के बाद जीना पड़ेगा और जीने के बाद सारे पर्दे गिरा कर आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा तब आप अपनी भावनाएं खुलासा लिख सकते हैं माताओं को देना चाहता हूं पुरुष ने औरत को पूजा बेटी की रक्षा करना चाहता हूं बहू बैठी हुई है वो सुने पुरुष ने औरत को पूजा इतना पूजा इतना पूजा इतना पूजा कि औरत देवी हो गई औरत ने पुरुष की सेवा की इतनी की कि औरत दासी हो गई औरत छटपटाती रही मुझे देवी मत बनाओ मुझको दासी भी मत बनाओ मैं औरत हूँ मुझको औरत रहने दो आज के इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के द्विवार्षिक अधिवेशन में मैं आपके बीच हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हिंदी का प्रचार प्रसार खूब हो और हिंदी यूएस की लोकप्रिय भाषा बने और जन जन तक पहुँचे क्योंकि हिंदी संस्कार देती है हिंदी संस्कृति देती है हिंदी धर्म देती है हिंदी आध्यात्म देती है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मुझे खुशी है कि यूएस में जो एनआरआई रहते हैं उन्होंने हिंदी का बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदी के विकास के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य IHA अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका में कर रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हिंदी को इस यूएस में स्थापित किया है और आगे करने में भी कामयाब रहेंगे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत बधाई देता हूं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ हैं गिनतियों के माध्यम से मैंने अपने देश की एक बहुत बड़ी समस्या को उकेरने की कोशिश की है देखिए कहां तक सफल रहा अफवाहें हमारे देश में क्या से क्या रूप ले सकती हैं 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों के माध्यम से भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3 भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3 एक ने 2 से कहा देख लूंगा 2 ने 1 से कहा देख लियो 3 उन दोनों को देख रहा एक ने 2 से कहा देख लूंगा 2 ने 1 से कहा देख लियो 3 उन दोनों को देख रहा था उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त मेरे यार एक था बेचारा 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा एक था बेचारा 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी 5 ने 6 से जाकर कहा 1 ने 2 के गोली मारी 6 ने 7 से जाकर कहा 1 ने 2 के गोली मारी 2 ने 1 के गोली मारी वहां खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है भारत माता के दुश्मन को
शीला मोहन का मेरे साथ हैं, ये अभी IHA की करेंट ट्रस्टी हैं, विश्वा की मैनेजिंग एडिटर हैं और IHA की सारी ब्रांचेज इंडिया और अमेरिका की कोऑर्डिनेटर हैं, इसमें काफ़ी दिनों से लगी हैं। चैप्टर है और भारत में 5 चैप्टर हैं और भी कई जगह नए नए चैप्टर खुलने की संभावनाएं हैं। हम कोशिश करते हैं कि नए जनरेशन में हिंदी कैसे आए और भारतीय संस्कृति को वो कैसे समझें, ये हमारा संदेश है। नंदलाल सिंह डैलस टेक्सास से बोल रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति से 1980 के स्थापना से के दिनों से मैं संबंधित हूँ और अभी हाल ही में टेक्सास में हम लोगों ने 18वां द्वैवार्षिक अवेशन किया था और ये 19वां, जिस ढंग से हम लोगों ने 40 सालों में जो प्रगति की है अंतर्राष्ट्रीय समिति का, उसमें हमें हम लोग काफ़ी गर्व है कि हमारे सहयोगियों के साथ इस ढंग का कार्यक्रम आगे चल चुका है।